वर्ल्ड ऑफ एशन विच शि फालीगढ़ कैसे जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो पोर्टफोलियो जिन्होंने अवेल कर रखा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज उनके पास एंड जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है जिन्होंने मेरा एच डी एफ सी क्वाड्रो टाटा क्वाड्रो ये जो वीडियोज़ हैं ये देखे हैं ऊपर आई बटन में आ रहे हैं अगर आपने नहीं देखे तो इसमें मैंने एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक प्रपोज किया था तो मोस्टली मेरे सारे क्लाइंट सारे व्यूअर्स के पास एच डी एफ सी एच डी एफ सी बैंक शेयर्स है और इसलिए आज जब ये मेगा न्यूज आई एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक एच डी एफ सी ट्विंस के मर्जर की तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे ऑन प्रायोरिटी वीडियो कवर करना चाहिए जिसमें बेसिकली मैं इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों को एड्रेस करते हुए ये आपको बताना चाहती हूँ कि क्या एक्चुअली इस मर्जर में है अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स है बीट एच के या एच डी बैंक के तो वॉट वुड हैपन इन फ्यूचर अगर आपके पास नहीं है तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप ट्रेडर है तो कैसे जो आई आर में रैली आई थी उस तरह की रैली का आप यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं एट द सेम टाइम जैसे आई में लोग बहुत ज्यादा हाई रेट्स पे लेके फंस गए थे वो आप ट्रैप कैसे अवॉइड कर सकते हैं प्लस बेसिकली क्या इस मर्जर में है मतलब क्यों एच बैंक और एच जब अपने आप में इतना अच्छा कर रहे थे वो मर्ज हो रहे हैं जो गोइंग फॉरवर्ड एंटिटी बनेगी क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी है कवर करने वाले हैं लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल अभी नहीं किया है तो प्लीज नीचे कीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर ये वीडियो देखने के बाद भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो आपके अन रह जाते हैं और आप चाहते हैं कि वो मैं कवर करूं तो प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे बताइए प्लस मुझे ये भी बताइए कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो लेकर आए अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये जो डेप्थ रिसर्च है इससे आप एक्चुअली कस्टमाइज्ड वे में बेनिफिट हो सके बिकॉज फाइनेंशियल्स में कस्टमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये सर्विसेज देने के लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है नाइन एट टू वन सिक्स डबल वन डबल सिक्स सेवन पे या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं इनविस्टोपीडिया इंडिया जीरो एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पे अगर इमीडिएटली इन प्रॉम आप देखना चाहते हैं कि ये सर्विसेज क्या है और इससे आप कैसे बेनिफिट हो सकते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सर्विसेज का डिटेल आ रहा है और ज्वाइन बटन प्रेस करके भी आप मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं ट्रेडर इन्वेस्टर एंड मल्टी बैडर प्लान की इन प्लान की परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर है टाटा क्वाड्रो तो हमने प्रपोज किया था उसके बाद से अब तक की उसकी परफॉर्मेंस भी आपकी स्क्रीन पर है सो नाउ स्टार्ट क्या हो रहा है एच डी एफ सी मैं आपको बता दू वॉज एन एन बी एफ सी एन बी एफ सी जो होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इनको बैंक के कंपेरिटिवली कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं ऑपरेट करने में एट द सेम टाइम कुछ इनको अभी तक रेगुलेटरी बेनिफिट मिलते थे जो अब गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिए है और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण एच और एच बैंक जो है वो मर्ज हो रहे हैं जो एच के चेयरमैन है मिस्टर दीपक पारे उन्होंने एक लाइन कही कि इट्स वेरी कॉमन कि ओल्ड एज में फादर का जो बिजनेस है वो बेटा टेक ओवर कर लेता है तो दिस इज अ सिमिलर सिनेरियो सीना बिकॉज एच डी एफ सी इज द पेरेंट कंपनी ऑफ एच डी एफ सी बैंक इनफैक्ट एच डी एफ सी बैंक एच डी एफ सी लाइफ ऑल दीज कंपनी आर सब्सिडियरीज ऑफ एच डी एफ सी तो सबसे पहले एच डी एफ सी एनबीएफसी पिक्चर में आया था और ये जो इसकी एच डी एफ सी की जो स्पेशलिटी है वो है हाउसिंग लोन्स हाउसिंग लोन्स में ये मार्केट लीडर है तो अभी तक क्या होता था कि बिकॉज एच डी एफ सी एस कम्पेयर टू अदर एनबीएफ बॉज कैश रिच इसके पास जो कैपिटल होता था जो फंड होता था फर्दर लोगों को लैंड करने के लिए वो बाकी एन बी एफ सी के कम्पेरेटिवली लो कॉस्ट पे अवेलेबल होता था और उसका फर्दर जब वो लैंडिंग करते थे तो अदर कॉम्पिटेटिव एनबीएफ के कम्पेरेटिवली ज्यादा कॉम्पिटेटिव रेट दे पाते थे और कई सारी इनको रेगुलेटरी यू नो बेनिफिट भी मिलते थे कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बैंक्स करते हैं जो एन को अलाउड है वो एच डी एफ सी कराता है जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ बनवाना लोगों की ये सारी चीजों में एच डी एफ सी वॉज बट इन फुल फुल्लैज बैंकिंग में एच डी ऑपरेट नहीं कर सकता था और इसलिए बैंक बैंक पिक्चर में था आपको पता होगा वन ऑफ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इसका प्राइवेट सेक्टर में अगर मैं बात करूं या अगर गवर्नमेंट को भी ले लूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद सबसे बड़ा बैंक इंडिया में जिसका सबसे बड़ा कस्टमर बेस है वो एच बैंक है प्लस जो प्रोडक्ट्स है ऑलमोस्ट टू से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज एच बैंक के पास अवेलेबल है तो स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं एचडीएफसी की स्ट्रेंथ है कि वो मार्केट लीडर है होम लोन सेक्टर में और होम लोन सेक्टर हाउसिंग लोन सेक्टर आज का जो इंडिया है उससे अगर मैं फाइव इयर्स या टेन इयर्स डाउन द लाइन देखूं तो सबसे प्रॉमिसिंग सेक्टर होने वाला है इसमें इन्वेस्टमेंट में क्यों क्योंकि अभी जो कुछ पॉलिसीज आई है रैरा जो फॉर्म हुआ है रेरा इतना स्ट्रिक्ट हो रहा है इंडिया में उसका इम्प्लीमेंटेशन बढ़ता जा रहा है सेकंड प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट के जिसमें उनका फोकस है कि अपर मिडिल क्लास मिडिल क्लास सब तरह के लोगों के पास में एटलीस्ट एक घर सबके पास हो जो ये कोविड टाइम्स के बाद में पैंटअप डिमांड देखने को मिली है बीट इन एनी मेट्रो तो ये सारी चीजें हाउसिंग लोन सेक्टर को बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना रहा है इंडिया में नाउ एच के पास में ये बेनिफिट है कि वह हाउसिंग लोन में मार्केट लीडर है एट द सेम टाइम जो ड्रॉबैक है वो ये है कि उसे जो बेनिफिट मिल रहा था एनपीएफसी होने की वजह से वो गवर्नमेंट ने विदड्रॉ कर लिया है और रेस्ट्रिक्शन उसके पास बहुत सारे हैं क्योंकि वो बैंक नहीं है एट द सेम टाइम एच डी एफ सी बैंक की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में अभी मार्केट लीडर है पर अभी अगर हम लोन पोर्टफोलियो देखें तो उसमें मोस्टली पर्सनल लोन क्योंकि सैलरी बहुत ज्यादा कस्टमर बेस है एच डी एफ सी का तो सैलरीड लोगों में दो तरह के लोन्स बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं एक ऑटो लोन एक पर्सनल लोन होम लोन भी कॉमन होते हैं बट होम लोन का अगर हम डेटा बेस देखें तो एच डी एफ सी का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू एच डी एफ सी बैंक सो नाउ आफ्टर दिस मर्जर एच डी एफ सी बैंक को क्यों, क्या फायदा होगा जो इतना प्रॉमिसिंग होम लोन सेक्टर है उसमें उसको इतना बड़ा पोर्टफोलियो रेडीमेड मिल रहा है और एच डी एफ सी को यह फायदा है कि उसको इतना बड़ा कस्टमर बेस मिल रहा है प्लस चीप फंड मिल रहे हैं एच डी एफ सी बैंक के पास एक और बेनिफिट है कि उसके पास जो फंड अवेलेबल है वो ज्यादा चीपर है क्यों क्योंकि एच डी एफ सी बैंक का बेस बड़ा है अब कस्टमर बेस बड़ा है मतलब तो आप उसमें अपने फंड्स रखते हो राइट right? या तो आप करंट अकाउंट में रखोगे सेविंग अकाउंट में रखोगे या फिर आप उसके एफडी बनवाओगे तो ये जो कासा है ये जो फंड्स होते हैं इसी को बेसिकली बैंक देन लोन्स देने में यूज करता है और थोड़ा बहुत वो बोरो करता है तो ये जो कासा है ये बहुत ज्यादा यूज है एच डी एफ सी बैंक का और इसलिए उसके पास में जो फंड है वो बहुत चीप अवेलेबल है अब उसके पास खुद के पास चीप फंड अवेलेबल है तो वो जो इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है वो बहुत ज्यादा लिकुएटिव दे सकता है एज कंपेयर टू पियर ग्रुप ज वाई बोथ ऑफ दैम एंटर्ड इन टू दिस डील ऑल्सो अगर फ्यूचर हम देखें तो अभी हमारी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है बी एट बिकॉज ऑफ दिस जस्ट अभी बाहर निकले हैं सेकेंड जो अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और जो ओवरऑलियो वर्ल्ड इकोनॉमी का बना है तो इंडियन इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर में एक कंसोलिडेशन होने वाला है हो सकता है रीजन बींग की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी लेंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इसलिए प्रेशर होगा बैंकिंग पे यू नो बैंकिंग को भी सर्वाइव करने के लिए अपनी बुक्स को प्रॉफिटेबल रखने के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह के बूस्ट मिलते रहे जब दोनों एक ही ग्रुप की गुरुण कंपनीज है दोनों के अपने अपने स्ट्रगल्स है लेकिन साथ में आके वो दोनों बहुत स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली दिस इज अ बेटर मूव पिछले कुछ टाइम में एच बैंक के जो सीईओ थे मिस्टर आदित्य पुरी उनके जाने के बाद बैंक ने बहुत टफ टाइम देखा क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक को बैन कर दिया गया था तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है एच बैंक में सिमिलरली एच में मिस्टर दीपक पारे उन्होंने रिटायरमेंट एज अपना क्रॉस कर लिया है तो ही

आपने अगर ऑलरेडी एच डी एफ सी एच डी एफ सी बैंक में इन्वेस्ट कर रखा था तो आपके साथ क्या होगा अगर आपने एच डी एफ सी बैंक ले रखा था तो एज इज रहेगा क्योंकि जो नई मोस्ट एंटिटी होगी दैट वुड बी बैंक अगर आपके पास एच डी एफ सी के शेयर थे तो आपको हर ट्वेंटी फाइव शेयर एच डी एफ सी के बदले में फोर्टी टू एच डी एफ सी बैंक के शेयर्स मिलेंगे सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में हंड्रेड एच डी एफ सी के शेयर थे तो आपको 42 टू इंटू फोर एच डी एफ सी बैंक के शेयर मिल जाएंगे नाउ इफ यू टॉक अबाउट एग्जैक्ट बेनिफिट तो जो स्केलिंग है जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो बैलेंस शीट रेजिलियंस है या जो यू नो रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करना है ये सारी चीजों में इन दोनों की जो मर्स एंटिटी होगी वो बहुत ज्यादा यू नो स्ट्रॉग होगी बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देगी और अगर मैं दलाल स्ट्रीट की बात करूं तो रिलायंस के बाद मार्केट कैप की टर्म्स में ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी होगी इवन टीसी को बीट कर देगी सो so, बहुत स्ट्रांग कंपनी ये बन के आने वाली है तो अगर आप इन्वेस्टर है आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि अगर आपके Already इसके थे, तो आप इन्वेस्टेड रहिए और आपको जो यू uh, नो you know, बस होल्ड करके रखिए, कुछ मत करिए। अगर आप अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी जैसे क्या होता है, जब भी कोई न्यूज आती है तो एकदम से थोड़े दिन तक स्टॉक रैली देता है फिर थोड़ा कंसोलिडेट होता है फिर वो रैली देगा तो आप धीरे धीरे बी एच रूल अप्लाई करके धीरे धीरे अक्यूमुलेट कीजिए क्योंकि इवेंचुअली आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है और ये आप कभी मत भूलिए कि लॉन्ग टर्म में हमेशा कोई भी स्टॉक हमेशा पॉजिटिव मूवमेंट नहीं देगा हमेशा रैली नहीं देगा टाइम को टाइम को कंसोलिडेट जरूर होगा कमिंग टू ट्रेडर ग्रुप नाउ ट्रेडर्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे अगर आप एच डी एफ सी या फिर एच डी एफ सी बैंक में एंटर करते हो तो आपको यहां से अगले दो तीन महीने तक स्टॉक बहुत वोलेटाइल होने वाला है और आपको बहुत अच्छे और सेफ ट्रेड्स करके इनकम कमाने की आपको बहुत अच्छी, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बट यू हैव टू बी केयरफुल सपोज अगर मैं एच डी एफ सी का एग्जाम्पल लेती हूँ एच डी एफ सी साढ़े तीन हजार का रेट जब क्रॉस करे उसके बाद आप इसको एकदम से मत लीजिएगा क्योंकि उसके बाद प्रोबेबिलिटी है कि आप शायद ट्रैप हो जाओ आई आर सी टी सी की तरह तो मतलब टाइम टू टाइम हो सकता है ये जो मैं आपको फिगर्स दे रही हूँ ये रिवाइज हो हो सकता है कि Uh, आने वाले कुछ टाइम बाद मैं आपको कि 5000 को रेट है जहां तक आप कर सकते हो लेकिन अभी एट प्रेजेंट आई सी थ्री थाउजेंड से नीचे नीचे आप इसको ले सकते हो और थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड टच करने के पहले आप इसको बेच के एग्जिट कर लेना अगर आप ट्रेडर हो सिमिलरली एच डी एफ सी बैंक में भी आप थ्रेश लगाओगे आप उसको अगर लेना चाहते हो तो आप एटीन हंड्रेड से नीचे नीचे लोगे और एग्जिट आप करना चाहते हो तो ट्वेंटी टू हंड्रेड ट्वेंटी थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर हंड्रेड के लेवल पे आप इससे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाइए सो इन ऑल ये अगर हम बेनिफिट देखिए जो मर्ज आइंटिटी है वो कहा जा रहा है कि एम इंडेक्स पर भी लिस्ट हो सकता है इसका जो वर्किंग मॉडल होगा वो बहुत रोबस्ट होगा और बहुत सारी नई चीजें ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और जो यू you नो know, इनके एन है वो बहुत अच्छी तरीके से ये लोग डील कर पाएंगे बहुत कम हो जाएंगे तो पॉजिटिव बहुत ज्यादा दिख रहे हैं अभी इस डील में बट स्टिल यू हैव टू बी केयरफुल यू हैव टू अप्लाई बी एच टूल आप अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट मत कर दीजिए आई होप आपको इस डील के बारे में सारी क्लैरिटी मिल गई है अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आई रिक्वेस्ट प्लीज नीचे मुझे कॉमेंट करके बताइए क्योंकि मैंने यू uh, नो you know, ये न्यूज आते ही बिकॉज ऑलरेडी आप लोगों के पास थे मेरे जितने भी व्यूअर्स है या क्लाइंट्स हैं तो इसलिए बहुत जल्दी में ये वीडियो कवर कराए तो हो सकता है कोई पॉइंट मिस हो गया हो अगर ऐसा है प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताइए थैंक यू सो मच